श्रीमान दलीप सिंह जी राणा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे जो मंत्री जी अर्जुन मेघवाल जी, जो कानून मंत्री है हमारे, प्रवेश वर्मा जी, कैलाश चौधरी जी, जसपाल जी और बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता नेता जी हमारे जो मंच पे बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी है, माताएं बैठी है और जितने हमारे मीडिया कर्मचारी और जितने सभी लोग ये कार्यकर्ता है, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सो मैं एक बात, जब मैं फर्स्ट टाइम कैलाश चौधरी को मिला मैं दिल्ली में, तो मैं देखी भाई ये भीड़ किस चीज की है। सो बोलते कि जो हमारे बाड़मेर से हमारे ये कार्यकर्ता आए हैं, तो मैं खुद हैरान रहा कि यार इतनी भीड़ किसी मंत्री के आगे नहीं में देखी। और मतलब जितने भी हलके के बंदे आए थे, सबका एक एक की समस्या सुन रहे थे और उनका काम कर रहे थे। सो मैं उनसे बड़ा एक प्रभावित हुआ और उनका काम करने का तरीका, कि भी मैंने कहा सोते कब हो आप, कहते भी सोते तो बस तीन चार घंटे सोते, कहता क्योंकि अपने हलके के काम भी करने होते, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के काम भी करने होते और दूसरे जो पूरे भारत के जो और आते थे किसान नेता और जो अलग अलग स्टेट से, उनके काम भी करते थे। तो उनकी जो मैंने एक काम करने की एनर्जी देखी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे। तो बाकी देखो योजना तो सभी बता दी, मंत्री जी ने बता दी और प्रवेश जी ने बता दी, लेकिन मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूँ कि आप लोगों ने दोस्तों वोट देने हैं, कैलाश चौधरी को देने, ठोक बजा के कह रहे, घुमा फिरा के नहीं कर रहे, ये अच्छे है। इसीलिए हम खुद यहाँ पर आए हैं, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर करके ड्राइविंग करके आए। मैंने कहा नहीं, कुछ भी है, हमने कैलाश जी की सपोर्ट करनी है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती, कई बार जो विरोधी है वो हावी हो जाते हैं, आपको सभी को पता है कि बहुत हावी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो काम पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग हैं जो हवा हवाई पे विश्वास करते हैं। तो दोस्तों तुम लोग यहाँ पर जो हम लोग सब लोग काम पर विश्वास करते हैं, जो इन्होंने काम किए हैं और उनके जो एक सपने हैं, उनके सपने बहुत ऊंचे हैं। इनके सपने हैं कि जो बाड़मेर है, एक मतलब हर घर घर पे पानी पहुँचे और एजुकेशन होए, हेल्थ अच्छी होए, 24 घंटे ये बाड़मेर के बारे में सोचते रहते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि इनसे बढ़िया कोई नेता, इनसे बढ़िया नेता, इनसे बढ़िया लीडर आपको बाड़मेर से कोई मिलेगा। अगर किसी ने डायलॉग बड़ी बड़ी बातें सुननी हो तो आप उनसे उनकी बातें सुन सकते हैं, लेकिन जो वोट है कैलाश चौधरी को देना है, क्योंकि अगर आप इस बार आप चुक गए तो आप तो क्या है, जो आपके बच्चे हैं वो भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे, वो भी बोलेंगे कि यार अगर हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई अगर वोट बीजेपी को देते तो आज हमारे को ये परिस्थिति नहीं देखनी पड़ती। मतलब सो आप लोगों को सबको पता है, मैं एक कल ही में एक लड़के से मिला था, तो उसको मैं पूछा भाई कैसा लगता है आपको, तो उन्होंने बताया कि जो भाई पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो वोट करेंगे कैलाश चौधरी को, और जो लोग डायलॉगबाजी पे खुश है वो हो सकता है कि औरों को वोट करे। तो मेरे को ये लगता है
कई बार होता है जो डायलॉग बाजी हम भी कहीं अगर कोई कथा हो कैसी कोई ये हो रो डायलॉग बाजी तो हम भी जाते सुनने, लेकिन जो हम करते वही है जो हमारे को अच्छा होता है, देश के हित होता है और अपने परिवार के हित होता है, समाज के हित के लिए होता है काम, हम वही करते हैं। तो दोस्तों आपने डायलॉग बाजी पे नहीं जाना, आपने ये देखना है कि पहले भी काम करा है कैलाश चौधरी ने और आगे भी उनका जो ड्रीम है कि भाई जो यहाँ पर एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है उसको कैसे जड़ से ख़त्म करना है। तो आप इस बार बिल्कुल भी दोस्तों चूकना नहीं, अगर डायलॉग बाजी सुननी है तो डायलॉग बाजी कभी हम भी डायलॉग बाजी करेंगे, लेकिन उसका डायलॉग बाजी का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। सो जो ये मोदी सरकार है क्या नहीं जो कर नहीं सकती, आपको पता ही होगा, मतलब जैसे बताया अभी बताया मंत्री जी ने बताया 370 धारा जिसको बोलते थे कि ये तो कभी नहीं हो सकती, ये भी तोड़ दी ना 370 धारा तोड़ दी, और राम मंदिर बनाया जिसको बोलते थे कि ये तो कभी बन ही नहीं सकता, और ऐसे ऐसे काम जो हम बाहर जाते थे हमारे को एक बड़ा एक थर्ड वर्ल्ड की ओर से हमारे को देखते थे कि भाई ये भारत के लोग हैं, गरीब देश है, इनको पता नहीं है, लेकिन अब वो सोच चेंज कर दी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जहाँ भी कोई भारतीय जाता है उनको रिस्पेक्ट डिफरेंट मिलती है, उनको बिल्कुल अलग डिफरेंट मिलती है, और आज की डेट पे जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो उनसे उनके पैर छूते और उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनको बोलते हैं हमार को मार्गदर्शन दो, कितनी प्राउड की बात है, और उससे बड़ी प्राउड की बात आपके लिए है यहाँ पर, जो आपका बेटा आपका भाई जो उनकी एक उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री पे के उस पर मंत्रालय पे है, तो आपको बहुत प्राउड होना चाहिए दोस्तों। अगर आप उस पर प्राउड नहीं करेंगे तो मैं सोचूंगा आप आपकी बहुत ही एक बदकिस्मत है, पर लेकिन जो यहाँ पर आप लोगों का जो प्यार दिख रहा है सो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप बढ़ चढ़ के वोटे डालेंगे और पूरा सपोर्ट करनी है। जो लोग कुछ लोग यहाँ पर आए नहीं उनको भी आप लोगों ने बताना है, उनको भी बताना है कि वोट देना है कैलाश चौधरी को देना है, वोट देना है नरेंद्र मोदी जी को देना है, ताकि मतलब हमारा बाड़मेर और तरक्की कर सके। पहले कितनी मतलब 65 साल पे कितनी ट्रेनें आई थी यहाँ पर, हमने सुना कि सिर्फ 3 ट्रेन आई थी, जैसे कैलाश चौधरी बने 9 ट्रेनें आई है यहाँ पर 5 साल के अंदर 9 ट्रेनें, कितनी बड़ी बात है, प्राउड की बात है। मतलब जो हमारे लोग कोई हमारे रिश्तेदार यहाँ के जो पाकिस्तान पे होते थे, जो यहाँ के बाड़मेर के जो रिश्तेदार कोई पाकिस्तान पे उनकी फैमिली रुकी हुई थी किसी किस वजह से यहाँ आ नहीं सकते, उनका भी मतलब हमारे कैलाश चौधरी जी बार बार उनका एक सपोर्ट करते और उनको यहाँ लाने की हेल्प करते हैं। सो ये जिसको ये छोटे छोटे काम है जिसका काम हुआ ना उनको ही पता है, जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनने तो एक ही विरोध वो ढूंढना है, क्या बोलते एक कमियां ढूंढनी है, बुराई करनी है, जितना मर्जी अच्छा काम करे वो तो अच्छा काम तब समझेंगे अगर उनके घर पे करोड़ों रुपए जाएंगे, उनके घर के करोड़ों रुपए उनके घर जाएंगे, वो कमाएंगे तब सोचेंगे भाई बहुत अच्छा काम किया है, अदरवाइज तो वो ऐसे जैसे एक कीड़ी होती ना कीड़ी, अगर उसको सोफे पर भी बैठा है तभी वो सुराख ही ढूंढती है और नीचे सुराख पे घुसना चाहती है, वो हाल है उनके। आप देख रहे हैं आजकल हमारे जो राहुल जी ने तो मैदान छोड़ दिया है, अब वो खड़गे जी को आगे किया है, मेरे को लगता है खड़गे जी के भी खड़क जाएंगे कुछ दिनों पे, वो भी बोलेगा किसी को आगे कर दो। सो दोस्तों अपना आपका वोट हमारा सबका वोट बहुत ही कीमती है, आप लोगों ने एक एक वोट जायज नहीं जाने देना, आप लोगों ने सब लोगों ने वोट करना है और अपनी वोट की कीमत समझनी है। सो कैलाश भाई के लिए एक नारा लगाना है, कैलाश चौधरी
कैलाश चौधरी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, सब लोगों ने चक देने फट्टे, गाड़ देनी है किल्ली और कैलाश चौधरी को भेजना है एक बार फिर से दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय द ग्रेट खल्ली दिलीप सिंह जी राणा। अब मैं बिना किसी